जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, जीवन का कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। काम के घंटे तय होना चाहिए और मजदूरी बढ़नी चाहिए। 2005 को मुख्यमंत्री बनते ही दो योजनाएं, एक बेटियों की शादी सरकार करे और दूसरे में बेचैन था कि बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना है। आप रोज पेड़ लगाते हैं एवरीडे। हमारी फिलॉसफी को देखिए, भगवान शिव मंदिर पे विराजते हैं, भगवान विष्णु गरुण पे बैठ के आते हैं, पेड़ों में भी हमने वही चेतना देखी। हिमालय को देवतात्मा मानते हैं, क्या नर्मदा कोई नहीं कहता है। हम पर्वत पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, हम ग्रह नक्षत्र तारों से जुड़े हुए हैं, सूर्य देवता अभ्याम नमः, चंदा को हमने मामा मान लिया। मामा तो मान लिया। शिवराज जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है आपका एबीसी पर। स्वागत तो मैं आपका करता हूँ मध्य प्रदेश की धरती पर। ये सैलानी टापू है हमारा जी, जो टूरिज्म की दृष्टि से हमने डेवलप किया है। सामने नर्मदा मैया है जी, और आपके साथ आज हम बैठे हैं तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ जी। यहाँ पे मैं नर्मदा देख रहा था, अगर मैं बाकी नदियों से इंडिया में कंपेयर करूँ, नर्मदा बहुत साफ मुझे दिखाई दी यहाँ पर, और इसके लिए मतलब श्रेय पूरा मैं यहाँ की सरकार को दूंगा, प्रशासन को दूंगा कि उन्होंने जो है इतनी सफाई यहाँ पर मेंटेन कर रखी है। यहाँ पे मैं जब इस टापू में भी आ रहा था तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, और इतना नेचर के करीब है ये जगह कि बहुत सुंदर, मतलब जो आपने काम किया है बहुत उसमें अच्छा लगा हमें देख करके। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? अभी हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं तो सवाल यही कर लेते हैं पहला। मैं तो सवेरे उठ के सबसे पहले 5 बादाम खाता हूँ भीगे हुए जी, उसके बाद 2 या 1 अखरोट खाता हूँ जी, और उसके बाद फिर सबसे पहले पपीता खाता हूँ ब्रेकफास्ट में जी, उसके बाद फिर दलिया या चीला या कोई पराठा जी। लेकिन अगर सबसे पसंद की बात करें तो बचपन से मुझे पकौड़े बहुत पसंद है। पकौड़े माँ बना के खिलाती थी मेरी, तो इतना स्वादिष्ट बनाती थी, मेरी माँ बचपन में चली गई थी, उनके हाथ के बनाए पकौड़े आज भी मुँह में स्वाद आ जाता है कि माँ ने कैसा खिलाया था मुझे। तो वो बारिश के टाइम पे कि रोज आपका पकौड़े खाना पसंद? बारिश तो विशेष रूप से चीलों के लिए और पकौड़े के लिए आइडियल होता था, बनते ही थे, लेकिन गाय वगाय सप्ताह में एक आध बार तो मैं खा लेता था। तो ये मतलब जो आपकी फ्रूट्स के साथ में आपकी दिनचर्या शुरू होती है, ये कब से, मतलब आप या बादाम के साथ में कब से आपने शुरू करा कि आप 5 बादाम खाएंगे? सार्वजनिक जीवन में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए धीरे धीरे मन में ये भाव आया कि कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए जी, जो शरीर को भी कुछ दे। तो धीरे धीरे कंट्रोल किया और कचौड़ी समोसे और पकौड़े थोड़े कम किए, ख़त्म तो नहीं किए, ख़त्म करना भी नहीं चाहिए, और इस तरह की चीज़ें फिर शामिल करने का प्रयास किया कि थोड़े फल भी खाएं जी। और आजकल तो अब एक ज़माने में गेहूं का क्रेज था, वीट का, अब धीरे धीरे श्री अन्न का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उसको दुनिया में प्रतिष्ठित कर दिया, श्री अन्न, मोटा अनाज, और मोटे अनाज का गढ़ है मध्य प्रदेश। 17 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग होती है। तो फिर अब मैं ज़्यादातर खाता हूँ मिस्सी रोटी जी, इसमें चना मिला के, चने से भी प्रोटीन मिल जाता है, और अकेला गेहूँ खाओ तो उसके कई तरह के लोग नुकसान बताते हैं। अच्छा, तो आप मतलब उसको अनाज को मिक्स करके जो है अनाज को मिक्स करके प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये तो होगी ब्रेकफास्ट की बात, पकौड़े आपको बड़े पसंद है, खाने में सब्जियाँ वगैरह क्या पसंद है, दाल वगैरह क्या पसंद करते हैं? अच्छी तो सबसे लगती है तुअर की दाल, तुअर की दाल, लेकिन तुअर की दाल तूर भी कहते हैं, तुअर कहते हैं, अरहर कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी इसलिए मैं मूंग की दाल भी खाता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप इतने फिट हैं, और सब्जियों में अगर आप पूछें जी, तो मेरी फेवरेट है लौकी और गिल की तोरई, तोरई वो मैं बताता हूँ जी। तो आप मुख्यमंत्री जी, मैं यही सवाल कर रहा था कि आप इतने फिट हैं, फिटनेस के लिए मतलब क्या करते हैं? तो खाने की तो बात होगी, एक्सरसाइज वगैरह में क्या करते हैं, व्यायाम क्या करते हैं? सवेरे में कोशिश करता हूँ 6:30 बजे से, मैं इंतजार करता हूँ लोग उठ जाए तो मैं फ़ोन करना शुरू करूँ, क्योंकि दिन भर की घटनाओं के आधार पर या आगे मुझे जो काम करना है उसका शुभारम्भ मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करता हूँ। तो मैं वॉक करते करते मैं फ़ोन करता हूँ, कार्डलेस मेरे हाथ में होता है, तो मेरे दोनों काम हो जाते हैं। एक तो मैं 10-15-20-25 फ़ोन कर लेता हूँ जी,
और मेरा वॉक भी 20-25 मिनट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं जी, वो करता हूँ। बहुत हल्के फुल्के आसन, कोई कठिन नहीं करता कभी जी, और वो मैं करता हूँ लगभग 20-25 मिनट जी, और फिर 10 मिनट प्राणायाम करता हूँ। इसके बाद स्नान करता हूँ, उसके बाद पूजा करता हूँ। बिना पूजा के मेरा दिन शुरू नहीं हो सकता। पूजा करके हमारी गाय है और उनकी दो बेटियाँ हैं, अच्छा, तो उनकी उनको रोटी खिलाता हूँ और फिर पेड़ लगाता हूँ। पेड़ मेरी नियमित दिनचर्या का अंग है। आप रोज पेड़ लगाते हैं? एवरीडे। कितने साल से ये चल रहा है? ये चला 2.5 सालों का। 2.5 साल से, और तब से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ नहीं लगाया। मुझे कोविड हुआ था तब भी मैंने कहा था कि पेड़ लगाऊंगा मैं, गड्ढा खोद के पेड़ रख के चले जाओ सब, फिर मैं आऊंगा पेड़ लगाऊंगा जी। तो कोविड में भी मैंने पेड़ लगाया जी। तो ये तो बहुत मतलब शानदार चीज है कि आप जो है इतना, तभी मैं समझ पा रहा हूँ कि तभी आप जो है इतने नेचुरल हैबिटेट्स को क्रिएट करने की भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, नेचर के करीब जो है लोगों को लाने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप खुद भी उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, कल आपकी एक स्टोरी थी जो कि मैं सुन के बड़ा मतलब चाहता था कि मैं आपसे पूछूं और वो पूरी कहानी जानूं, कि आपने एक आंदोलन किया था अपने गाँव में बचपन में, उस आंदोलन की कहानी बताएंगे। मैं बचपन से, मैंने कल भी कहा था, भेद देखता था, और वो तीन तरह के जो मुझे कष्ट देते थे, एक बेटा बेटी में भेद जी, मैंने गांव में स्पष्ट रूप से अपने घर में भी देखा, बेटे से ज़्यादा लाल, बेटी से कम प्यार, और कोशिश यही करते थे कि भगवान बेटे ही बहने जी। तो वो बात मेरे मन में दर्द पैदा करती थी जी। दूसरा, स्त्री पुरुष के भेद मैंने देखा। पुरुष प्रधान मानसिकता वाले जो समाज है, उसमें जब चाहे पति अपनी पत्नी को पीट दे, डांट दे, और वो चुपचाप सहन करती रहती थी, तो ये बात मुझे कष्ट देती थी। तीसरी चीज़ थी अमीरी गरीबी की खाई। दो बच्चे, एक स्कूल जा रहा है, एक सर्दी में रजाई में दबके सो रहा है, और एक को पशु हमारे यहाँ ढोर चराना कहते हैं, चरवाहा कहते थे, वो बेचारा सवेरे 6 बजे से उठ के उसके हाथ पाँव गंदे हैं, उनमें दरारें पड़ी हुई है, खून चूरा है, सर्दी गर्मी जो भी है, सर्दी में अक्सर गालों में वो हम कहते तिल गए, मतलब यहाँ सूख जाते थे। उस समय का दृश्य अभी भी आंखों में आ जाता है। तो एक बार हमारा एक बुद्धा करके चरवाहा था, वो देर से आया तो उसको बहुत डांट पड़ी, और उसी समय मेरी दादी माँ मुझे सुला रही थी, ठंड लग जाएगी, सो जा मत, बहुत पीड़ा हुई मुझे। फिर लगा कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। 7th क्लास में था जब मैंने मजदूरों को इकट्ठा किया। गांव में दो ही वर्ग थे, किसान और मजदूर, बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं था। और मैंने उनसे कहा कि ये अन्याय है, काम के घंटे तय होना चाहिए और मजदूरी बढ़नी चाहिए। मजदूरी हमारे यहाँ पहले एक बर्तन होता था, उसको कुड़ा और पाई बोलते थे हमारी भाषा में, गाँव की, मतलब पैसे नहीं देते थे, अनाज देते थे, तो नाप के देते थे 1, 2, 2.5 पाई। अच्छा, तो मैंने कहा 2.5 पाई कम है, 5 पाई मिलना चाहिए। तो मजदूर बोले भैया कैसे मिल सकती। तो मैंने कहा उसके लिए आंदोलन करना होगा। बोले आंदोलन कैसे करेंगे, उनका काम बंद कर देंगे और जुलूस निकाल लेंगे। तो बोले इससे क्या होगा। तो मैंने कहा किसान मजबूर होकर काम तो करवाना है, तो फिर मजदूरी बढ़ाएंगे। तो हमारा जो पहला आंदोलन बहुत इंटरेस्टिंग था, कुछ मजदूर आए कुछ नहीं आए, डर के, क्योंकि उम्र बहुत कम थी मेरी, वो 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, उसका स्लोगन था 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और उस समय गांव में बिजली लाइट नहीं हुआ करती थी जी। तो वो हुआ करता था पेट्रोमैक्स, जिसको हम गैस बत्ती कहते थे। एक गैस बत्ती जुगाड़ी, उसको जलाई और एक मजदूर ने सर पर रखी, बाकी 25-30 पीछे हुए, मैं आगे आगे, और 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और ये जुलूस जब मेरे घर के पास पहुंचा, तो हम भी किसान थे जी, तो मेरे चाचा जी लाठी लेके निकले, जिसको हम लट्ठ कहते हैं, और निकल के कहा आओ मैं देता हूँ 2-3 गालियाँ देके तुम्हें 5 पाई। तो वो गैस बत्ती जो थी, पेट्रोमैक्स फेंक था, सब भग गए। अच्छा। मजदूर और मैं पकड़ा गया। तो मेरी वो धुनाई हुई है आज तक याद है। हमारे जो बाकी परिवार थे, उन्होंने कहा ये तो बिगाड़ रहा है मजदूरों को, ऐसे तो माहौल ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो मेरा पहला आंदोलन। तो आपका पहला पॉलिटिक्स के साथ में जो है जुड़ाव वहाँ से हुआ, मतलब करना चाहिए कुछ, और ये भाव पैदा हुआ मेरे मन में गीता पढ़ के। हाँ, जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, जीवन का कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए जी। इसलिए मैंने रामायण जी और गीता जी
बचपन से पढ़ी, गांव में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति रहती है, तो गीता जी कम पढ़ते, रामायण जी ज़्यादा पढ़ते, रामायण जी समझ में आती गीता जी। लेकिन मेरे हाथ में घर में ही लगी, दादाजी का स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की प्रतियां कर्मकांड में देते थे पंडितों को, स्वर्गवास के बाद जो कर्मकांड होता है ना, तो कई चीज़ें देते थे, तो गीता की प्रति मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले समझ में नहीं आती थी, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर समझ में आने लगी कुछ कुछ चीज़ें, और उसी से लगा कि जीवन कुछ ढंग से जीना चाहिए कुछ करने के लिए। उसी में से ये आंदोलन भी निकला कुछ कर, और इसके बाद मेरे हाथ लगी स्वामी विवेकानंद जी की किताबें और एक अखंड ज्योति जो गायत्री परिवार आचार्य श्री राम शर्मा जी निकालते थे। ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में रहा कि जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, कुछ करना चाहिए। तो उसमें से फिर मैं एक्टिव हो गया, फिर स्कूल में एक्टिव हो गया, मॉनिटर बन गया, फिर प्रेसिडेंट बन गया, फिर अलग अलग काम में करता रहा, फिर जेपी के मूवमेंट में शामिल हो गया मैं 1974-75 में जी। तो शुरू से उस दिशा में चलते रहे। लेकिन ये पहला आंदोलन, ये पहला आंदोलन था और ये आपके मन में आया गीता को पढ़ने के बाद में। अच्छा, कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक गीता के अलावा जिससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिली हो, जिससे आपको सीखने को मिला, और किस कहानी से आपको सबसे ज़्यादा सीखने के लिए मिला? देखिए, एक तो स्वामी विवेकानंद जी के विचार मन में जबरदस्त उत्साह पैदा करते जी। मैंने स्वामी विवेकानंद जी की ही किताबों में उनके भाषण पढ़े अलग अलग, उनमें से दो तीन चीज़ें मुझे बहुत अपील करती। एक, वो कहते हैं तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुत्र नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको, तो खुद को जानो, तुम सब कर सकते हो। ये मन में उत्साह का संचार कर सकते कि हम कर सकते हैं, ईश्वर के अंश है, दुनिया में कौन सा काम है जो हम ना कर सकते। फिर दूसरा, जो भारत के बारे में उन्होंने कहा, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, मुझे तो एक एक शब्द याद है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। इससे ये भाव जन्म लिया कि अपने देश को वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ तक पहुँचाना, उसके लिए हमको कुछ करना है। तीसरी बात, उन्होंने कहा मुझे केवल 100 चाहिए, ऐसे जिनकी मांसपेशियाँ लोहे की हों, स्नायु इस्पात के हों, और जो सुख दुख गर्मी सर्दी सब सहन करने की क्षमता रखें, मैं उन 100 के सहारे भारत बदल दूंगा जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बड़ी प्रेरणा दी और कहा कि कर, तू भी कर सकता है। तो कोई ऐसी कहानी हो जिसने आपको बचपन में, क्योंकि हम जब बाल मन होता है, जैसे आप 7वीं कक्षा में ही थे जब आपने मतलब अपना पहला पॉलिटिकल आंदोलन किया, तो कोई ऐसी कहानी आपके बाल मन में रच बस गई हो जिससे बहुत प्रेरणा मिलती हो और आज भी प्रेरणा मिलती हो? बचपन में हमारी पाठ्य पुस्तक में थी ध्रुव की कहानी जी, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी सुनीति और सुरुचि, अभी भी याद है मुझे, जब पढ़ते थे तो एक को वो ज़्यादा प्यार करते थे जी, ध्रुव की माँ को वो कम प्यार करते थे। एक दिन ध्रुव दौड़ते दौड़ते आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया जी। तो दूसरी पत्नी थी उनकी, तो उनके दबाव के कारण उनने उतार दिया उसको, ये रोता हुआ अपनी माँ के पास आया जी। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, पिता की गोद से भी बड़ी है ईश्वर की गोद, तू ईश्वर की गोद में बैठेगा, तू तू उनका ध्यान कर, उनको स्मरण कर। उसके बाद ध्रुव ने भगवान से अपना नाता जोड़ लिया और अंततः भगवान की गोद में वो बैठे। बचपन से ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मुझे लगता था कि ध्रुव की तरह मुझे भगवान की गोद में बैठना है जी। और मैं आज शायद पहली बार सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, मैं अपने गांव में जंगल बहुत थे, मतलब तो पेड़ बहुत थे, अब कम हो गए, खेती की ज़मीन बना ली जी। पहले होती थी पड़ती ज़मीन जिसको बीड़ कहते थे, घास होती थी, उसमें पेड़ भी बहुत होते थे जी। तो मैं घर से निकलता और जंगल में चला जाता गाँव के पास, जो खेतों के आसपास जहाँ पेड़ लगे रहते थे, और पेड़ के नीचे बैठ के मैं ध्यान करता था और कहता था, सोचता था मुझे भगवान की गोद में बैठना। और वो करते करते कई बार धारणा ऐसी हो जाती थी जैसे भगवान अपने पास आ गए, भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। फिर मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि भगवान अपने साथ है। तो मैं कई बार नर्मदा जी में कूदता था और नर्मदा जी पार करता था, तब एक किनारे से दूसरे किनारे,
लगता है। और मानसिक स्वरूप, मेरी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि मुझे ये विश्वास था कि मैं डूब ही नहीं सकता क्योंकि भगवान मुझे ले जाएंगे भगवान की गोद में। तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान साथ साथ चल रहे हैं, भगवान की गोद में अपना कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बाल मन पर जो असर होता है कहानियों का, इस कहानी ने मुझे भगवान से जोड़ा कि भगवान के पास जाना है, भगवान की गोद में बैठना है, भगवान सृष्टि का निर्माता है और वही सब कुछ है। और उसके साथ ही मेरी अध्यात्म की यात्रा भी ऐसे ही शुरू हो गई। मैं पूजा पाठ तभी से करता हूँ बचपन से ही। बचपन से जी। अभी आपने इतना बड़ा कल जो है बताया है सब मीडिया जगत को कि हम जो है यहाँ पर एक आत्मधाम जो है बना रहे हैं। मेरा आपसे उसके बारे में सवाल है कि आप जो है अद्वैत के विचारों को आज के दौर में किस तरह से रेलेवेंट जो है बना पाएंगे, क्या रेलेवेंट है भी? क्योंकि आज के दौर पे अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं द्वैत और अद्वैत इतना ज़्यादा आपस में मिल चुके हैं, रच बच चुके हैं कि लोगों को शायद उसका फ़र्क ही पता नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कि द्वैत और अद्वैत में क्या डिफरेंस है। तो इसको किस तरह से आप उन विचारों को लाते हैं? अगर बिल्कुल साधारण भाषा में मैं कहूँ तो द्वैत मतलब मैं अलग और तुम अलग जी, ये भेद पैदा करता है। मैं और अलग हूँ तो मैं मेरी देखूँगा, मैं तुम्हारी काय को देखूँगा जी। और दुनिया की समस्याओं का कारण आज अगर कोई है तो ये द्वैत ही है। आप दुनिया में देखेंगे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, युद्ध, इन सब का कारण द्वैत ही है जी। यूक्रेन और रूस द्वैत ही है क्योंकि सब अपने आप को अलग 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 समझते हैं, मेरे हित अलग है, इसके हित अलग है जी। क्योंकि भारत ने कितना सुंदर विचार दिया, मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमने जो विचार दिया वो यही कहा कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। और उपनिषदों में कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, इसी में से जियो और जीने दो निकला, इसी में से वसुधैव कुटुंबकम निकला, इसी में से मनुष्य से आगे भी प्राणियों में सद्भावना हो निकला, विश्व का कल्याण हो निकला। और उसी में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, मैं नहीं सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, ये भाव निकला। ये कितना सुंदर दर्शन है, आप सोचिए, जब सब मेरे जैसे हैं और मैं उनके जैसा हूँ तो द्वैत क्यों? फिर मेरा हित उनका हित है, मेरा सुख उनका सुख, मेरा दुख उनका दुख, मेरा दुख, ये भाव जब पैदा हो जाता है तो मनुष्य एक दूसरे से प्यार करने लगता है। और केवल मनुष्य से नहीं, फिर प्राणियों के बारे में भी जो हमारे देश की कल्पना है, हम गाय को माता मानते हैं, अब यही उनसे भी प्यार करो, यही भाव है जी। हम आप देखेंगे जितने देवता उनके वाहन सब पशु के रूप में हुए, नर्मदा मैया मगर की सवारी करती, जो आप पूरी हमारी फिलॉसफी को देखिए, भगवान शिव नंदी पर विराजते हैं, भगवान विष्णु गरुण पर बैठ के आते हैं, गणेश जी मूसक की सवारी करते हैं, ये देखो कितना सुंदर, मतलब आप इसकी गहराई में जाइए तो कितना आनंद आता। मतलब मनुष्य और प्राणियों का ऐसा संबंध दुनिया ने और कहीं किसी दर्शन ने स्थापित नहीं किया। गणेश जी आधा सिर उनका हाथी कहिए, आप देखिए नरसिंह आधे पशु आधे मनुष्य, बारह मत्स्य कूर्म केवल पशुओं के रूप में अवतार हुए। ये हमारा जो सोच है कि पशुओं में भी वही चेतना है, इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। और इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो पेड़ों में भी हमने वही चेतना देखी, इसलिए बट के वृक्ष की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा, तुलसी को जल चढ़ाए बिना, मैं भी रोज तुलसी को जल चढ़ाता हूँ, संस्कार है परिवार की, तो जब तक हम जल नहीं चढ़ाते लगता है कुछ अधूरा है। ये कितनी आप देख पर्यावरण के प्रति प्रेम का, इससे बढ़िया उदाहरण कोई दुनिया में मिलेगा? आप बताइए, पेड़ों को पूज रहे हैं जी, हम प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन ऊपर उठाया कि गोवर्धन की पूजा करो, वो तुम्हें देता है। हिमालय को देवतात्मा मानते हैं हम, पर्वत की, पेड़ों की, नदियों की, अब नर्मदा कोई नहीं कहता है, ना कोई नदी कहता है। अगर आप नर्मदा नदी कह दोगे तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, हम कहते हैं नर्मदा जी या नर्मदा मैया, ये हमारी माताएं हैं, गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी, रेवा मतलब नर्मदा, रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मा,
ये कितना सुंदर सोच है, आप कल्पना तो करके देखिए, यही तो अद्वैत है कि हम नदियों को भी उसी चेतना का अंग मानते हैं, और इसलिए हम नदियों से जुड़े हुए हैं, हम पर्वत पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, हम ग्रह नक्षत्र तारों से जुड़े हुए हैं, सूर्य देवता अभ्याम नमः, चंदा को हमने मामा मान लिया, मामा तो आपको भी मान लिया। कल मैं लोगों से मिल रहा था, बच्चों से मिल रहा था ओंकारेश्वर के, जब आप गए थे तो मैं वहीं पे था, बच्चे बड़े खुश थे वहाँ पर कि हम जो है मामा से मिले, हमारे सिर पे हाथ भी फेरा उन्होंने, बच्चियाँ ख़ास तौर पे छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे पास में आई हैं और उन्होंने बताया हमें कि हमारे सिर पे हाथ फेरा उन्होंने, हमसे मिले, अच्छे से बात किया, और वो बहुत मतलब खुश हुए आपको देख के। तो एक जुड़ाव भी आपसे महसूस करते हैं, एक रिश्ता बन जाता है जब आप अपने आप को ऐसा कहलवाते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ हमेशा सदैव। एक भावनात्मक रिश्ता है, देखो मेरे मन में भी एकदम जैसे आपने कहा बच्चों की बात, तो मेरे मन में स्नेह का संचार कहते ही हो गया, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे जी, मतलब बच्चों से, विशेषकर बेटियों से, और मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ और बेहतर कैसे करो, इन्हें मुझे मामा बनाया लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने, बाकी जी तो मुझे तो लगता है कि मैं लिपट जाऊँ उनसे, गले लगा लूँ, उनको प्रेम करूँ, उनके सिर पे हाथ फेरूँ, ये उनका माथा चूमूँ, ये मेरे हृदय की भावना होती है जी, और उसके कारण अभेद ही जैसा है, मतलब कहीं भी आप जाओगे तो मामा मामा चिल्लाएंगे ना जी, अब बच्चे क्या बड़े भी मामू ही कहते हैं मुझे। तो ये बहुत मतलब एक जुड़ाव आपका महसूस करा मैंने वहाँ पे जनता के साथ में। लेकिन अब बच्चियों के लिए आपने इतना कुछ करा, वहाँ पे जो लड़के थे उनके लिए आपने एक स्कीम निकाली है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों के लिए हमने जी, जो बच्चे जिनमें टैलेंट है, क्षमता, प्रतिभा है, कई बार धन ना होने के कारण वो ये अभाव महसूस करते थे, काश मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो मैं भी पढ़ सकता। हमने जो पहले योजना बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और उसमें तय कर दिया उसको जातियों से भी अलग कर दिया जी, बहुत मतलब सब बच्चों, मुझे लगा कि बच्चों को नहीं बांटना चाहिए, SC हो, ST हो, OBC हो, सामान्य वर्ग के हों, कम से कम बच्चों को हम कैसे ऊपर उठाएं, इससे तो हमने तय किया कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो 70% से ज़्यादा नंबर लाते हैं 12th के एग्ज़ाम में, उसके बाद उनका एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हो, आपके JEE मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, किसी IIT में जाएं, IIM में जाएं, कोई अच्छा कोर्स करने किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में जाएं, तो उनकी फ़ीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, और हम लगभग 3 लाख बच्चों की फ़ीस अभी भर रहे हैं, तो असल में और एक बच्चे की फ़ीस भी 62-65 लाख रुपया है, ऐसा नहीं कि कोई 25-50 हज़ार रुपया, हम लगभग 1,000 करोड़ रुपया फ़ीस के बच्चों के भरवा रहे हैं, और वो बच्चे अलग अलग जगह, कोई डॉक्टर बन रहा, कोई बागी बन रहा, तो एक तो ये चीज़ हमने की। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है, बेरोजगारी समस्या है, रोजगार चाहिए, भूखे भजन ना हो गोपाला। अच्छा, पढ़ने लिखने के बाद मन में ये आता है कोई शासकीय नौकरी ही मिले, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी जॉब्स हम सरकार में क्रिएट कर पाएंगे। इस साल हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भर्ती कर रहे हैं, वो अभियान लगातार चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो इसके अलावा कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारे पास रास्ते 3 हैं। एक, हम निवेश लाएं, इन्वेस्टमेंट, उनमें रोजगार मिले, वो हमारे प्रयास लगातार जारी है, आदि राय निवेश। दूसरा है कि बच्चे स्वयं उद्यमी बने और अपनी व्यवसाय को शुरू करें, तो उसके लिए हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनाई और उसमें तय किया कि 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार भरेगी, वो अपने बच्चे काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज़, जब तक ये सब ना कर सके तो बेरोजगारी भत्ता को मैं ठीक नहीं मानता। देखिए, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है जी, ताकि वो उड़ सके, उड़ान भर सके। ये बेरोजगारी भत्ता तो घोंसला है जी, तो पड़े रहो, कोई बात नहीं, आपको मिले जा रहा है 1,500 रुपया ले लो महीने, और वो भी धोखा होता है क्योंकि सबको देते नहीं, इतने उसमें नियम और शर्तें लगा देते जी। मुझे लगा कि वो लर्न और अर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत उपयोगी है जी। बच्चों को हम काम सिखाने भेजेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में,
अलग अलग क्षेत्र में वो पोर्टल हमारा बन रहा है जिसपे एक तरफ जहाँ काम सिखाया जा सकता है वो सूची रहेगी, दूसरी तरफ हम जून में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे 15 जून से उन बच्चों के जिनको काम सीखना है और काम सीखने के बदले हम उनको 8,000 रुपया महीना देंगे जी। तो 8,000 रुपया महीना ये फ्री का नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीख के कल वो काम करेंगे, या तो वहीं उनको जॉब मिल जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा जहाँ पे वो इंडस्ट्री ट्रेनिंग में गए, या तो या दूसरे तो इंडस्ट्री, और उनको ज़रूरत है स्किल्ड मैन पावर की, इनको ज़रूरत है जॉब की। आप ये पढ़ते होंगे या आपने भी कहीं कहा होगा, सुना होगा कि एक तरफ तो जॉब्स की कमी है, बेरोजगारी, दूसरी तरफ स्किल्ड लोग नहीं है, मैन पावर नहीं है हमारे पास। तो ये दोनों चीज़ें पूरी हो सकती है। अभी इसका नाम मुझे बहुत क्लिक नहीं कर रहा, अभी हमने मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना इसका नाम दिया था, लेकिन अभी वो जम नहीं रहा, कुछ नाम और क्लिक करने वाला मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मुख्यमंत्री जी, ये जो स्कीम आप ला रहे हैं लर्न एंड अर्न, ये मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि इसकी तारीफ जो है मैं अभी से सुन रहा हूँ। मैं इससे पहले जो है आपस में अंदर खाने ये बातें चल रही हैं कि ये स्कीम है और इससे जो है काफ़ी प्रगति होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार जो है हिस्सेदार नहीं है, इसमें इंडस्ट्री भी हिस्सेदार है और वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप स्किल सीख रहे हैं, आपको हो सकता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको वहीं पे प्लेस भी हो जाए, और सरकार तो आपका सपोर्ट कर ही रही है। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि लोग सोचते थे कि बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए युवाओं को, उससे क्या है युवाओं में जंग लगता है तो वो चीज़ रहती है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे होने वाला है, शायद हमारा ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो चुका है लगभग, तो ब्रेकफास्ट तो अभी शुरू होगा ना जी तो भैया फल तक ही सीमित है, कुछ और भी ला रहे हाँ कर दे ना जी, तो हम लोग ये मान रहे खत्म हो गया तो मेरा आपसे ये सवाल है, फिर तो सवालों का दौर और चलेगा अभी। ये जो बच्चियों के प्रति प्रेम है, हमने आपके बचपन की कहानी सुनी जहाँ पर कि आप भेद देखते थे, क्या ये वहाँ से उठा या फिर किस तरह से, मतलब ये किसी हर चीज़ की शुरुआत ये मेरे घर से उठा है। जी, मैंने देखा कि मैं और मेरी बहन में मुझसे ज़्यादा प्यार किया जाता था जी। मेरी दादी माँ मुझे तो कोट के पुचकार के लगातार, बेटी की उतनी चिंता नहीं, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन भेद घर में मैंने देखा, गांव में मैंने देखा। मैं देखता था कि पति पत्नी का झगड़े हुआ तो पति ने उठाया और पत्नी को पीट दिया, तो ये बहुत बहुत तकलीफ देता था। और मैं शुरू से बेचैन रहता था और ये कहता था कि तो बेटा बेटी को बराबर मानो, दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है, भेद मत करो। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो क्योंकि मैं एक्टिव था शुरू से, एक गाँव में मुझे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था सामाजिक, तो मुख्य अतिथि के आने में देर थी, तो लोगों को लगा ये लड़का अच्छा बोलता तो थोड़ा टाइम काट देगा, तो मुझसे कब बोलूँ। ये किस साल की बात है? ये बात होगी, मैं जरा दिमाग पर जोर डाल के आपको बताता हूँ, ये है 80s की बात, 80s। हाँ, छोटा था, कुछ MLMP कुछ भी नहीं था हाँ, उस दौर में, लेकिन मैं खड़ा हुआ था और मैंने मैं चूंकि गीता जी पढ़ता था, रामायण जी पढ़ता था, बाकी करता था, तो बोलना मुझे आता था थोड़ा। मैंने कहा कि बेटियों की शादी हो रही है सामूहिक सम्मेलन, तो मैंने कहा बेटा बेटी में भेद मत करो, बराबर मानो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक सही घटना है, बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा हूँ, बेटी को आने दो। बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के इंजाम का तू करवाएगा, आ गया बात करने बेटी को आने। मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि देखो कहने से नहीं होगा, जब तक बेटी बोझ रहेगी बेटी को दुनिया में आने से रोकेंगे लोग, बेटी को वरदान बनाना चाहिए। अब तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जब MLA बना तो मैंने तय किया कि मैं गरीब बेटियों की शादी करूँ, वही बात मेरे दिमाग में, शादी का इंतजाम कर तू करवाएगी, तो वो बात घुस गई दिमाग में। तो हमने शादी शुरू करी अपने मित्रों की और अपने पैसे से कुछ इकट्ठा करके, हमने गरीब बेटियों का विवाह शुरू किया। जब मैं MP बना तो मेरी शादी हो गई, फिर मेरी पत्नी के साथ हमने लगातार कई वर्षों तक, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, ये अभियान चलाया कि बेटियों की, अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी करेंगे तो शादी बोझ ना रहे, जितना बोझ हम कम कर सकें। लेकिन ये बात दिल दिमाग में कि बोझ नहीं वरदान बनाना। मैं मुख्यमंत्री बना 29 नवंबर
2005 को, 2005 को मुख्यमंत्री बनते ही दो योजनाएं मेरे दिमाग में थी, एक बेटियों की शादी सरकार करे, विशेषकर गरीब या जो चाहें, हमने कोई गरीबी रेखा की वो भी नहीं रखी उसमें जी, ताकि शादी बोझ ना बने, और दूसरे में बेचैन था कि बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना है जी। तो विचार किया कैसे बनेगी, तो मुझे लगा कि इस भौतिक युग में अगर आर्थिक रूप से बेटी कुछ प्रारंभ में ही जन्म के साथ पालेगी तो लोग बोझ नहीं मानेंगे। मैंने अपने अफसर बुलाए, उनसे कहा कि एक ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो पहले तो वो मुस्कुरा दिए, फिर एक दूसरे को देखा, उनका भाव ऐसा था कि मुख्यमंत्री नए नए बने, जोश ज़्यादा है इसलिए कह रहे होंगे। फिर वो मुझे बोले, इम्पॉसिबल सर, कैसे हो सकता है जी, पॉसिबल ही नहीं, खजाना खाली हो जाएगा, कैसे लखपति बनाएंगे, ये आप छोड़ दीजिए, नहीं होगा। मैंने कहा ये होगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। और मेरे दिमाग में एक सिंपल बात आई कि बेटी के पैदा होते ही उसके नाम से हम पैसे जमा कर दें सरकार के खजाने से, और वो पैसा ब्याज बढ़ते बढ़ते लगातार बढ़ते रहेंगे। तो जिद करके मैंने ये कहूँ कि गर्दन पे लात रख के सारे सिस्टम के ये योजना बनाई हमने, तय किया कि 30,000 रुपया बेटी के जन्म के साथ ही बेटी के नाम से हम जमा कर देंगे खजाने में, और 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 ऐसे, और 21 साल की होगी तो 1,00,000 तो बेटी मेरी लखपति होगी। तो ये योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना, आपने इसका नाम सुना होगा योजना के बारे में। आज 44,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियाँ हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500, कॉलेज पास आउट करेगी तो 12,500 ताकि वो ग्रेजुएशन पूरा कर ले, और अब ये जितनी भी पढ़ाइयाँ होगी आपके मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह की उसकी फीस भी सरकार। तो ये जो तड़फ थी मन में वो योजना बनवाती थी, मैंने बहनों को पिटते हुए देखा था बचपन में, उनके लिए लाडली बहना योजना भी बनाई, हर महीने 1,000 रुपये उनके खाते में जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं रही। ये जो दिल का दर्द था वो योजना में प्रकट हो गया, दिखा और योजनाओं में प्रकट हो गया जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ बात करने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाकी लोग इतनी सारी जनता आपके साथ में बात करने के लिए बड़ी आतुर है। हमारे साथ थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनसे हमने बात की बहुत सारे मुद्दों के बारे में, उनके बचपन की कुछ कहानियां भी जानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत बहुत पसंद आया होगा, और बने रहिए आप ABP लाइव और धर्मा लाइव के साथ में, आपके लिए इसी तरह से इंटरव्यूज का दौर हमेशा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।